कृष्णा 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 हरे हरे। अब बोलेंगे इस एक बार नाम लेने का क्या फायदा है, एक बार जो हमने हाथ ऊपर उठ करके नाम लिया इसका क्या फायदा है, एक बार नाम लेने का फायदा बताते हुए कहते हैं आवाज नहीं करना है। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो यमलोक में गया, बोले तुमने पूरे जीवन पाप किया है, बोले ठीक है, बोले लेकिन एक पुण्य किया है तूने, बोले क्या पुण्य किया है, बोले ऐसे ही एक बार भागवत कथा हो रही थी, इस्कॉन वाले भागवत कथा कर रहे थे और तुमने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ही तुमने अपने जीवन में मात्र एक बार नाम लिया। तो बोले ठीक है, तुम क्या पहले लेना चाहोगे, इस पुण्य का फल या फिर पाप का फल। बोले एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल है। यमराज जी का चक्र आ गया, बोले बात तो सही है, बोले काम करो चलो इंद्र के पास चलते हैं, उसे पता होगा, वो तो देवताओं के राजा है। इंद्र के पास गए, इंद्र को बोला यमराज जी और ये दोनों व्यक्ति गया, बोलते इंद्र एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल है। इंद्र की भी चकरा गई, तो ये बोलता है कि मुझे तो नहीं पता, एक काम करो चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं, वो तो दिन भर राम का नाम जप करते रहते, बता देंगे। तो ये व्यक्ति बोलता है देखो अभी इतना दूर जो मैं बोल के आया ना, पैदल चल के आया, मुझे भूख लग गई है, अभी एक काम करो मुझे पहले यहाँ कुछ खिलाओ, कुछ भोजन कराओ। इसको बढ़िया से स्वर्ग में नाश्ता कराया गया, फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट 5-स्टार होटल में अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, चल दिए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ को पूछा, भोलेनाथ आप दिन भर ये हरिनाम जपते रहते हो, अब बताओ एक बार जप करने का क्या फल है। भोलेनाथ भी कंफ्यूज हो गए, बोले एक बार जप करने का क्या फल। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं, उसके पास 4 खोपड़ी है, वो बता दे। बोले ठीक है। अब ये व्यक्ति बोलता है देखो अब ये नाश्ते से काम नहीं चलेगा, मेरा पेट तो भरा हुआ है लेकिन मैं अब चल नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा आराम करना है। बोले क्या करें। बोले एक पालकी लेते आओ, मैं उस पर बैठता हूँ, तुम लोग खींचो। तो इंद्र जी और भोलेनाथ आगे आगे, यमराज पीछे पीछे, ये बेचारा पालकी पर बैठा हुआ है। पहुंचे ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी से पूछते कि ब्रह्मा जी आपके तो 4-4 सर है, आप बताइए कि एक बार भगवान का नाम जप करने का क्या फल है। ब्रह्मा जी की 4-4 खोपड़ी घूम गई, बोलते एक बार नाम जप करने का फल। बोले चलो भगवान के पास ही पूछ लेते हैं। तो ये यमराज बोलता है ब्रह्मा जी पीछे बहुत भारी हो रहा है, थोड़ा पीछे पकड़ दो। ये भी बोल रहा है हाँ वो मुझे पीछे धसा हुआ जैसा लग रहा है, मैं स्ट्रेट बैठूंगा। ये व्यक्ति पालकी में बैठे हुए हैं, एक आगे इंद्र और महादेव, पीछे ब्रह्मा जी और यमराज, पालकी में लेके जा रहा है इसे। भगवान के पास पहुंचे, भगवान बोलते भगवान को ये पूछते यमराज जी कि प्रभु अब भगवान देख रहे बड़े आश्चर्य की बात, भाई ये किसको यमराज जी ब्रह्मा जी हैं इंद्र भोलेनाथ किसको पालकी पर बिठा के ला रहे, कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा भक्त है ये। जब आए तो पूछते कि प्रभु इस व्यक्ति ने जीवन में एक बार आपके नाम का जप किया है, इसका क्या फल होगा। प्रभु हमारे हंसने लगे, कहते अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आई क्या फल है, एक बार इसने मेरा नाम लिया, ब्रह्मा महेश इंद्र और यमराज चारों मिलके इसके पालकी में मेरे पास लेकर आ रहे हो, इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है। यह है एक बार नाम जप करना।